Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Aditi's Commerce Academy. My YouTube channel is all about educational videos. The topic for today's video is inventory. My today's video is in continuation to my previous videos on basic terminology in accounting. Aaj hum dekhne wale hai ki inventory kya hota hai. Ab tak humne kafi sare accounting terminologies refer kare. For example, purchases, sales, expenses, assets, liabilities, profit, gain, loss, etc. But now we will be dealing about one of the assets. सबसे पहले inventory क्या है वो समझ लेते हैं. मैं same example continue करूं. I have a stationery shop. एक stationery shop में क्या क्या चीजें बेची या खरीदी जाती हैं? That we all know. Generally pen, pencil, notebooks, books. Yeah, registers and all those things. So, वो सारी चीजें एक stationery shop में बेची जाती हैं या trade करी जाती है. Now, when I'm considering a stationery shop, my inventory becomes all those books, registers, pen, pencil, etc. What is inventory? Inventory वो सारा physical item है, physical goods है, जो जिसमें कोई भी business deal करता है. अगर एक फर्नीचर शॉप की बात करूं, सो जो भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल जो भी फर्नीचर हो गया, टेबल, चेयर, वार्डरोब्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब उसका इन्वेंट्री बन जाता है. अगर हमको एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस की बात करें, किसी बिल्डर की बात करें, तो उन्होंने जो जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की है वो उसकी इन्वेंट्री बन जाती है. सो इन्वेंट्री इज नथिंग बट वो सारी फिजिकल स्टॉक या फिजिकल गुड्स जिसमें कोई भी बिजनेस डील करता है. हमने पहले ही बात करी थी कि अगर एक स्टेशनरी शॉप के लिए मैंने कोई फर्नीचर परचेज करा, फॉर एग्जांपल सम टेबल या फिर कोई रैक परचेज किया, तो उस पर्टिकुलर शॉप के लिए इट्स अ असेट. क्यों? क्योंकि फर्नीचर में डील करना एक स्टेशनरी शॉप का रेगुलर बिजनेस नहीं है. इट्स रेगुलर बिजनेस इज टू डील इन पेन, पेंसिल, मार्कर्स, रजिस्टर्स, नोटबुक्स, बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. सो जब भी कोई भी ऐसा ऐसी चीज है जिसमें जो पर्टिकुलर बिजनेस का रेगुलरली डील नहीं करता है, तो वो उसका असेट बन जाता है. बिकॉज ही वुड बी और शी द बिजनेस वुड बी गेटिंग सम इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असेट. लेकिन स्टॉक क्या हो जाती है? स्टॉक और इन्वेंट्री वो सारी गुड्स है जिनमें कोई भी बिजनेस रेगुलरली डील करता है. स्टेशनरी के शॉप में फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट एंड स्टॉक इज अ करंट एसेट. सो हम इन्वेंटरी को हमेशा, इन्वेंटरी अगेन इज अ एसेट बट इट इज अ करंट एसेट. करंट एसेट वो एसेट्स है जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर एनकैशमेंट आप नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स में आप प्रोबेबली करते हो. ना इन्वेंटरी काफी सारे टाइप्स की हो सकते हैं. Let's see the types of inventories. So basically हमारे पास four categories of inventories हो सकती है. Inventory of raw material, inventory of work in progress, inventory of finished goods and inventory of stock in trade. सबके example लेकर ही समझते हैं. Raw material के लिए मैं example ले लेती हूँ. For example furniture की, फर्नीचर से बेटर रहेगा कारपेंटर की शॉप या फर्नीचर भी एक आप चाहिए तो एग्जांपल ले लो. नो मेरा एक बिजनेस है. मेरे बिजनेस में व्हाट आई डू इज मेरे पास वुड्स की प्लाय जो है वो रखे रहते हैं. कस्टमर्स कम टू मी, वो मुझे अपने स्पेसिफिकेशंस बताते हैं कि हमें इतने डायमेंशन का या इतने साइज का टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, वार्डरोब चाहिए, रैक चाहिए, वॉट एवर. सो व्हाट आई एम डूइंग इज मेरे पास वुड रहता है. कस्टमर्स कम टू मी, दे टेल मी कि हमें इतने इतने स्पेसिफिकेशंस का, इतने इतने रिक्वायरमेंट का फर्नीचर चाहिए, आप ये फर्नीचर बना के दे दीजिए. नाउ व्हाट आई हैव इज क्या मेरे पास फिनिश्ड, क्या फिनिश से बेटर है, क्या मेरे पास कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना हुआ फर्नीचर तैयार है? नहीं. व्हाट आई हैव इज द प्लान. मेरे पास वुड्स की प्लान है. अगर कोई कस्टमर आता है
एंड अपना स्पेसिफिकेशन या अपने रिक्वायरमेंट्स मुझे बताते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स मैं जो पर्टिकुलर फर्नीचर है उसे मैं बनाने वाली हूँ. आई वुड बी डिजाइनिंग इट एंड देन आई वुड बी जस्ट प्रोसेसिंग इट एंड मेकिंग द पर्टिकुलर फर्नीचर, राइट. सो व्हाट आई हैव इज द फ्लायर, इज द वुड फ्लायर, राइट. मेरे पास सिर्फ प्लाईज है. नाउ फॉर माय बिजनेस, अगर मेरे पास 31st March, दैट इज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, व्हाट आई हैव इज एज माय इन्वेंट्री या एज माय स्टॉक इज द प्लाई. सो मेरे बिजनेस में आई हैव द इन्वेंट्री एज प्लाई, बट इज द प्लाई अ फिनिश्ड गुड? क्या वो एक फिनिश्ड गुड है? नो, द प्लाई इज अ रॉ मटीरियल. Why it is a raw material? Because with the help of that ply, मैं customer के specific, actually में raw material के लिए अगर हम बात करें तो ये तो बहुत एक basic example हो गया, but actually raw material are used in case of factories. अगर कोई factory हो गई या कोई steel manufacturing company हो गई या ऐसी बड़ी बड़ी factories हो जाती हैं जहां पे actually manufacturing work होता है, वहां पे raw material का example काफी अच्छे से देखा जा सकता है. But for a basic understanding, I just took this example. Okay, so raw material, वो stock है, या raw inventory is that stock which any business would be using for further manufacturing. उस raw material के साथ मेरी dealing नहीं होने वाली है. I won't be dealing with my customers on the basis of that raw material. बट बल्कि उस रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग के बाद जो फिनिश कुछ मैन्युफैक्चर होता है. सपोज मेरा एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, आई हैव अ बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग. नो, आपने अक्सर देखा होगा अगर आपके घर के आसपास भी कोई बिल्डर है जो या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट होने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है. नॉर्मली 2 साल 3 साल 4 साल, अगर बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हुए तो 7, 8, 9, 10 साल भी लगते हैं. सो दैट कम्स अंडर द WIP इन्वेंट्री. वाई WIP इन्वेंट्री? बिकॉज एक बिल्डर क्या कर रहा है, उस बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है, उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है. नो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन 1 ईयर. किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को So, मेरा जो काम है कि मुझे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, वो मेरे प्रोग्रेस में है. इट इज इन माय स्टेप, बट इट इज नॉट कम्प्लीटली व्हाट वी वुड से नो कंस्ट्रक्टेड. बिल्डिंग पूरी कंस्ट्रक्टेड नहीं है. फ्लैट्स का पोजीशन मैं भी कस्टमर्स को दे नहीं सकती. अब इधर सपोज मैंने सिर्फ फ्लोरिंग करी है, स्लैब एंड ऑल दोस केसेस, द बिल्डिंग इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बट इट इज नॉट फुली कंस्ट्रक्टेड. So that comes under a WIP inventory. WIP inventory में वो सारे inventories आते हैं which are in the process of getting constructed but which are not fully constructed. Best example is the example of a builder. Now एक builder को अब इससे मैं raw material की inventory को connect करती हूँ. एक building को construct करने के लिए normally we require bricks, we require cement, yeah, we require many things like tiles and all those things. No, ये सारी चीजें एक builder के point of view से it is his raw material. So if a builder has a stock of cement, bricks, tiles, wires and all those things, तो वो सारे उसके raw material में आ जाते हैं because वो सारे material use करना वाला है in his manufacturing or in his process of constructing a building, not actually manufacturing a building, but in the process of constructing a building. But जो आधी या जो under construction building है, वो उसके, for example, मेरी cloth mill है, जिसमें हम clothes stitch करके ready-made जो market में clothes आपको मिलते हैं. Now, if I have a stock of, suppose, if I have pile of clothes, stitched clothes, ready to be delivered in the market. अगर मेरे पास काफी सारे स्टिच क्लोथ्स हैं that are ready to be delivered in the market, जिनको मैं मार्केट में डिलीवर कर सकती हूँ एंड मार्केट में वो इजीली सेल हो सकते हैं एज इट इज, तो वो बन जाते हैं मेरे फिनिश्ड गुड्स. फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स हैं जो कम्प्लीटली प्रोसेस्ड है, कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड है
and they are ready to be sold in the market. Okay, so cotton mill ke ya cloth mill ke point of view se the stitched clothes jo mere paas pade hue hain वो बन जाते हैं मेरे फिनिश्ड गुड्स. अगर मैं फर्नीचर शॉप की बात करूं तो अगर मेरा बिजनेस है इन डीलिंग विद रेडीमेड फर्नीचर, मैं बने बनाए टेबल, बने बनाए चेयर्स, बने बनाए वार्डरोब्स, बने बनाए रैक्स खरीदती हूं एंड देन आई एम जस्ट सेलिंग दोस थिंग्स. मतलब आई हैव गॉट फिनिश्ड गुड्स, या फिर मैं बने बनाए नहीं बट मैंने मैन्युफैक्चर करे अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड मेरे पास बनके वो स्टॉक रखा हुआ है. सो एवरीथिंग इज स्टेप बाय स्टेप. कोई भी अगर चीज होगी तो दैट विल फर्स्ट कम अंडर द रॉ मटेरियल, देन वो WIP में जाएगा. ओके, सो आई होप फिनिश गुड्स इज क्लियर टू यू. द लास्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज द स्टॉक इन ट्रेड. सबसे सिंपल है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो हम इतने दिनों से देख. सपोज आई हैव अ स्टेशनरी शॉप. एक स्टेशनरी शॉप का बिजनेस या मेन काम है इन ट्रेडिंग इन रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल, मार्कर्स, नोटबुक्स, बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. तो मेरा बिजनेस क्या करता है, आई परचेज ऑल दिस मटेरियल फ्रॉम अ होलसेलर. आई एम बेसिकली अ रिटेलर. मैं होलसेलर से आर दोस माई रॉ मटेरियल. क्या मैं उन बुक्स पे या उन नोटबुक्स पे कुछ प्रोसेसिंग करके या कुछ मैन्युफैक्चर करके कुछ और उत्पाद करने वाली हूँ या एम आई गोना जनरेट समथिंग एल्स? नो. तो दे आर नॉट माई रॉ मटीरियल. वो मेरे रॉ मटीरियल नहीं है. आर दे माई WIP? क्या दे आर नॉट माई फिनिश गुड्स, नॉट माई पर्टिकुलर फिनिश गुड्स? वाई? बिकॉज फिनिश गुड्स की कैटेगरी में आप कोई भी मटीरियल तभी ले हो जब वो मटीरियल पे आप प्रोसेस कर रहे हो. सो वेन यू आर एक्चुअली प्रोसेसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग और वेन यू आर एक्चुअली अप्लाइंग सम प्रोसेस ओवर दैट पर्टिकुलर, आप उनमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो एंड यू हैव रेडीमेड गुड्स जो मैं फिनिश गुड्स ही कहूंगी, देन यू टेक इट अंडर स्टॉक इन ट्रेड. सो दीज टू सीम्स टू बी वेरी सिमिलर बट उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है. स्टॉक इन ट्रेड हम तब लेते हैं जब मैंने उन गुड्स पे कोई काम नहीं किया है. नो प्रोसेसिंग, नो मैन्युफैक्चरिंग. मैंने सीधे एक होलसेलर से या कस्टमर्स डायरेक्टली, That becomes my stock in trade. Very simple. Stock in trade. Why? Because I am just trading them. I am nowhere manufacturing, I am nowhere processing those goods. मैं सिर्फ उन goods में trade कर रही हूँ. So when I'm just trading in those goods, that goods become my stock in trade. And this can be a differentiation between inventory and stock also. Okay. स्टॉक में सिर्फ वही गुड्स आते हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं. अगर हम उन गुड्स में प्रोसेसिंग कर रहे हैं या अगर हम उनमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दैट वोंट कम अंडर स्टॉक बट दैट. सो आई होप इन्वेंट्री इज क्लियर टू यू. इन्वेंट्री आर ऑफ 4 टाइप्स: रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. Please subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video. Thank you.